43 करोड़ रुपया में कितने लोगों का जान बच जाएगा, और एक बार गांव में बाढ़ आएगा, एक ब्लॉक में बाढ़ आएगा तो 100 करोड़ रुपया पैसा बांट दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा डेटा नहीं है, आपके पास है क्या? बिहार सरकार के पास ये डेटा नहीं होगा? अरे सब नेतवा के पास है, क्या बात सुनिए ना, आप लोग नहीं जानते हैं, या तो जाति में हम लोग उलझे हुए हैं। वो लोग क्या करता है कि अपने खेत के तरफ से रोड पास करा देता है, अपने खेत का जमीन जो है वो महंगा कर लेता है। पर मानवा डुमरी है, जाके पता कीजिएगा। मेरी माँ जब बीमार थी ना, तो नाव पे जो है वो गांव से 10 किलोमीटर दूर सुगौली जाती थी इलाज कराने, जब बीमार होते। और 6 महीना पहले हम कह रहे हैं कि हमें चिवरा मीठा नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर से चिवरा मीठा जो पानी में ये लोग फेंक देते हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें अस्थाई समाधान चाहिए, किसी भी हाल में अस्थाई समाधान चाहिए। और लेके जा रहा हूँ, लोग नहीं सोच रहे अस्थाई समाधान के लिए, मनीष कश्यप क्यों सोच रहे हैं? इन लोगों को जगाएंगे, ये लोग सोचेंगे, और ये लोग जिस दिन जग जाएंगे उस दिन अस्थाई समाधान हो जाएगा। ये सारा अंग्रेजी में समझेंगे, अंग्रेजी में समझाएंगे, हिंदी में समझेंगे, हिंदी में समझाएंगे, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। देखिए सब अभी मेरी मौजूदगी पटना एयरपोर्ट पर है, और हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है। कल जैसे सत्ता में उलट फेर देखने के लिए मिला, उसके बाद विधानसभा के बाहर काफी बवाल भी हुआ, और अभी आज आप कहाँ पहले जा रही है? पहले मैं जल संसाधन मंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, प्रयास करूंगा उनसे मिलके। देखिए बाढ़ अभी 6 महीना बाद आने वाला है, ठीक है, हमें आपदा रिलीफ फंड नहीं चाहिए। तो टेंशन आपको क्यों है, बाढ़ को सरकार को क्यों नहीं है? अरे हमारे घर वाले बाढ़ में डूबे हैं, जिस दिन आपके घर वाले डूबेंगे ना उस दिन आपको टेंशन होगा। मेरा घर मानवा डुमरी है, जाके पता कीजिएगा। मेरी माँ जब बीमार थी ना, तो नाव पे जो है वो गाँव से 10 किलोमीटर दूर सुगौली जाती थी इलाज कराने, जब बीमार होती थी पहले। तो जाके पता कीजिएगा, मानवा डुमरी मेरा घर है, और पूछिएगा वहां पे लोगों से कि ये बात सत्य है कि नहीं। और मेरे गांव का हर एक आदमी ये प्रॉब्लम फेस किया है। तो हम जा रहे हैं वहां पे, और 6 महीना पहले हम कह रहे हैं कि हमें चिवरा मीठा नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर से चिवरा मीठा जो पानी में ये लोग फेंक देते हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें अस्थाई समाधान चाहिए। और ये लोग अस्थाई समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये लोग अस्थाई समाधान कर लेंगे तो इन लोगों का पेट का रोजी रोटी कैसे चलेगा, नेता लोग कमाएंगे कैसे? जब आपदा आता है तो उसमें जो फंड अलॉट होता है उसका जो है और ये नहीं होता, ऑडिट नहीं होता है उसमें। मतलब कि 5 टन चिवड़ा खरीद के और 50,000 टन दिखा देंगे, 5 टन मीठा खरीद के और 50 टन मीठा दिखा देंगे, उसका कोई ऑडिट नहीं होता। मतलब वो ये लोग इस बार आप मतलब कह रहे चूरा मीठा नहीं चाहिए और हेलीकॉप्टर सर्वे भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए इस बार? हेलीकॉप्टर में बैठ के ये लोग सर्वे करते हैं, और हेलीकॉप्टर में बैठ के एक कैमरामैन फोटो खींच लेता है कि मुख्यमंत्री जी सर्वे किए नीचे देखे। अरे नीचे हेलीकॉप्टर के उतने ऊंचाई से नीचे दिखता क्या है कि कौन डूबा कौन मरा? कुछ नहीं दिखता है। जब कोसी में बाढ़ आता है, बागमती में बाढ़ आता है, गंडक में बाढ़ आता है, जब कमला में बाढ़ आता है, उधरी के नदियों में, उत्तर बिहार के नदियों में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, तो कौन डूबा कौन मरा ये क्या कुछ नहीं देख पाते? हमें आपदा रिलीफ फंड नहीं चाहिए, हमें भी तो मिलता है मुआवजा। 6,000 आपका जान मार दूं और 6,000 रुपया दे दूं, 6,000 रुपया में आपके बाप माँ सही खुश हो जाएंगे क्या? बताइए, एको विधायक जी का, विधायक जी के बेटा को डुबा दीजिए पानी में और कहिए कि 6,000 रुपया आपदा केंद्र में दे देंगे। विधायक जी का फ्लैट जो है वो तोड़ दीजिए। पता है एक व्यक्ति जो है 12 साल मेहनत किया था अपने बेटी की शादी के लिए, बाढ़ का रहने वाला वो व्यक्ति था, मुझे नेशनल न्यूज की एक रिपोर्टर ने ये बात बताया, चित्रा त्रिपाठी जी ने मुझे ये बात बताया था दिल्ली में ये बात। और उसका घर जब डूब गया, घर बनवाया वो और घर में ही कुछ पैसा रखा था अपनी बेटी की शादी के लिए, गहना रखा था, और नदी ने घर काट लिया। 10, 11, 12 साल उसने मेहनत किया था, और जब बाढ़ में उसका घर डूब गया, उसका पैसा डूब गया, उसका गहना डूब गया, तो सरकार ने 6,000 रुपया दिया था। ये क्या है? ये कहीं नहीं तो कहीं गंदा और भद्दा मजाक है। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत, बिहार वासियों को चाहिए क्या बाढ़ में? बिहार वासियों को बाढ़ से रिलीफ चाहिए, बाढ़ में अब मरना नहीं है बिहार के लोगों को। और सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, चाहे वो RJD का हो, जदयू का, BJP का हो, फर्क नहीं पड़ता, सवाल होना चाहिए और हम सवाल करेंगे इन लोगों से। हमें अस्थाई समाधान चाहिए, किसी भी हाल में अस्थाई समाधान चाहिए, और लेके जा रहा हूँ। लोग नहीं सोच रहे अस्थाई समाधान के लिए, मनीष कश्यप क्यों सोच रहे हैं? इन लोगों को जगाएंगे, ये लोग सोचेंगे, और ये लोग जिस दिन जग जाएंगे उस दिन अस्थाई समाधान हो जाएगा। ये सारा अंग्रेजी में समझेंगे, अंग्रेजी में समझाएंगे, हिंदी में समझेंगे, हिंदी में समझाएंगे, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। देखिए सब डेटा निकाले हैं, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये विकिपीडिया का डेटा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, ये ऐसे ही मैं डेटा नहीं निकाला हूं।
और बड़ी मुश्किल से ये सब डेटा निकलता है, और निकाल के मैं दूंगा भाई कि हमको जो है, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं एक डेटा दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें 18.75 रुपया बिजली का कॉस्ट आ गया तो वहां से कैंसिल कर दिया गया। क्या लिखा हुआ, 18.67 रुपया पर यूनिट जो है वो आ गया, और यहाँ पे जो है लगभग 8 रुपया बिजली का कॉस्ट है। तो ये मतलब कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, तो अगर कॉस्टली हो गया तो उसको मल्टीपर्पस बना दीजिए ना, सिंगल पर्पस अगर एयरपोर्ट बनाएंगे, सिंगल पर्पस, घाटे में चल रहा है तो मल्टीपर्पस बना देते हैं, जैसे इसके अंदर रेस्टोरेंट खोल देते हैं, बाहर रेस्टोरेंट खोल देते हैं, पार्किंग का पैसा लेने लगते हैं। तो जब डैम बना रहे हैं आप, सिंगल पर्पस डैम बना रहे हैं, 18.67 रुपया जो है कॉस्ट आ रहा है, मल्टीपर्पस बना दीजिए, वहां पे पार्क बना दीजिए, वहां पे रोड बना दीजिए, रोड का टोल लेना शुरू कर दीजिए, मल्टीपर्पस हो जाएगा, वहां पे जो है कुछ डेवलप कर दीजिए राजगीर जैसा, और वहां पे पैसा लेना शुरू कर दीजिए, और 50% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट दे दे, 50% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे। अरे इससे क्या होगा, अगर आप जो है 18 रुपया यहां पे दिखा रहे हैं कि 18 रुपया जो है पर यूनिट आ जाएगा, 18.67 रुपया पर यूनिट आ जाएगा, अरे उससे कितने लोगों का जान बच जाएगा बाढ़ के समय में, ये नहीं देख रहे हैं मतलब कि ये जान बच जाएगा तो फिर चूरा मीठा कैसे बटाएगा। हाँ, ये 43 करोड़ रुपया में कितने लोगों का जान बच जाएगा, और एक बार गांव में बाढ़ आएगा, एक ब्लॉक में बाढ़ आएगा तो 100 करोड़ रुपया पैसा बांट दिया जाएगा। ये देखिए, ये डेटा है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। अरे सुधार कीजिए ना भाई, हम निकाल देंगे इतना, हम पढ़े लिखे आदमी है, हम अनपढ़ नहीं है, हम निकालेंगे डेटा, हम दिखाएंगे बिहार के लोगों को सारे। ये मेरा डेटा नहीं है, ये सारा आपको क्या लगता है जो डेटा आपके पास है बिहार सरकार के पास ये डेटा नहीं होगा? सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का है, सचिव कार्यालय का है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी का है ये डेटा, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा डेटा नहीं है। आपके पास है क्या, बिहार सरकार के पास ये डेटा नहीं होगा? अरे सब नेतवा के पास है, कहाँ बात सुनिए ना, आप लोग नहीं जानते हैं, यहाँ तो जाति में हम लोग उलझे हुए हैं। वो लोग क्या करता है कि अपने खेत के तरफ से रोड पास करा देता है, अपने खेत का जमीन जो है वो महंगा कर लेता है, ये नहीं जानते हैं आप लोग। गरीब का खेत खरीद लेगा सब पहले, खरीद लेगा 200-200 एकड़ 300-300 एकड़, और बाद में जो है उसी खेत के तरफ से रोड पास करा देगा, और खेत जो है 20-20 हजार रुपया में खरीदेगा कट्ठा, और 20-20 लाख रुपया कट्ठा बेचेगा। ये तो खेला होता है, ये खेला हो रहा है बिहार में, और इन सब खेला के लिए मैं बिहार के लोगों को जगा रहा हूं। मुझे किसी से लोभ लालच नहीं है, और किसी का सरकार है किसी का जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। एक सरकार ने जेल में डलवाया था तो उसको गिरा दिए, दूसरा सरकार बना है, काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो उसके भी खिलाफ हम लोग लाठी लेके खड़ा हो जाएंगे। सरकार गिराने की बात दोबारा कह रहे हैं, जो आप मतलब बोलते हैं वो सत्य साबित आजकल बिहार में हो रहा है। नवादा रजौली नवादा और बख्तियारपुर जो रोड बन रहा है उसमें अनेकों फ्लाई ओवर गिरने वाले हैं, अभी बोल रहा हूँ मैं, भविष्यवाणी अब कर एकदम नहीं सुधारे, अरे नहीं सुधरेंगे तो कन्फर्म गिरेगा। और आज का आज आप जांच करा लीजिए उसमें कितनी सारी अनियमितता है। कल मैं नवादा गया था ना, परसों नवादा गया था ना, सब देख के आया हूँ, सब बनाया हूँ वीडियो, एकदम गलत तरीके से काम हो रहा है। एक बार फिर से बिहार सरकार तैयार हो जाए मनीष कश्यप के भविष्यवाणी सत्य होने के लिए, एकदम सुधरे नहीं तो सत्य होगा भविष्यवाणी, सुधरे नहीं बिहार सरकार को, जब बिहार वासियों की चिंता नहीं तो फिर मनीष कश्यप को इतनी चिंता क्यों है? चिंता करना पड़ेगा, इन गरीबों का भाग्य जो है बनाने की जिम्मेवारी जो है विधानसभा में बैठे विधायक और सांसद और मंत्रियों की है। मिलेगा तो विधानसभा जाना पसंद कीजिएगा, इन लोगों को भेजना पसंद करूंगा, ऐसे ऐसे लोगों को घरों से निकाल के भेजना पसंद करूंगा, एकदम 50% जो है मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे जो है विधानसभा और लोकसभा में जिस दिन घुस जाएंगे उस दिन जो है भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। अब पता है हम बात करते हैं कि हम अमेरिका बनेंगे, अमेरिका में चुनाव कौन लड़ता है? ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग बच्चे लड़ते हैं। कैनेडा में चुनाव जस्टिन ट्रूडो कौन थे? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए कैनेडा में, 34 साल के उम्र में प्रधानमंत्री बन गए जस्टिन ट्रूडो। आप इजराइल की बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं, तो वहां से बराक ओबामा कौन थे बराक ओबामा? तो आप वहां की बात करते हैं, जब जाते हैं कि भारत जो है उतना सक्षम हो उतना आगे जाए तो भाई हिस्सेदारी भी दे दो भाई, विधानसभा और लोकसभा में मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चों की हिस्सेदारी दे दो। यहाँ पे तो अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है चुनाव में, और जो खर्चा करता है उसी को लोग वोट देता है, और जो खर्चा नहीं करता है उसको लोग कहता है अरे इसका औकात नहीं है। अरे जिसका औकात नहीं है वही आपका औकात समझेगा, और जिसका ज्यादा औकात है वो आपको औकात में दिखा देगा। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। और बस आपने बाढ़ पे बात किया, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में बिहार वासियों को बाढ़ से रिलीफ मिलेगा? एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। बाढ़ पे अगर कंट्रोल हो जाएगा बिहार में, अगर बाढ़ पे कंट्रोल हो जाएगा बिहार में, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे रोजगार मिलेगा? हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा,
उसके बगल में एक कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा, तो दोनों साइड जो है रोड बनेगा, रोड के बगल में जमीनें महंगी हो जाएगी, वहां पे दुकान बनेगा, शोरूम बनेगा और बाढ़ भी नहीं आएगा क्षेत्र में। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को बाढ़ से अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो रोजगार मिलेगा और जो उत्तर बिहार है वो पूरा खुशहाल हो जाएगा और उत्तर बिहार की पानी जो है दक्षिण बिहार में आ जाएगा तो दक्षिण बिहार का भी सूखा का समस्या का समाधान हो जाएगा। चूड़ा मीठा का बात किया कि इस बार बिहार वासी चूड़ा मीठा नहीं लेंगे, तो इस बार बिहार वासी क्या लेंगे? नहीं लेंगे, अपना अधिकार लेंगे अपना। हम बाढ़ आने से 6 महीना पहले ही ना बोल दे रहे हैं कि कोई नेता हवा है, चेतावनी दे रहे हैं क्या नेताओं को? आप चेतावनी दे रहे हैं? सुनिए ना, ये लोग हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। साला हम बाढ़ में डूब रहे हैं, इधर उधर नेताजी हवाई जहाज से सर्वेक्षण कर रहे हैं, मतलब कौन बात हो गया? मनीष का जब चेतावनी दे रहे हैं क्या नेताओं को कि इस बार हवाई निरीक्षण नहीं चलेगा? नहीं चलना चाहिए हवाई निरीक्षण। अगर मुख्यमंत्री जी और कोई भी हो, कोई भी, या ये जो बाढ़ का जो मंत्री होते हैं, आपदा मंत्री होते हैं, जो भी अपना पैजामा भिगाते हुए बाढ़ के पानी में घुसे, बाढ़ के पानी में घुसे, और तब जो है हम लोग देखेंगे, नहीं तो हवाई सर्वेक्षण करने वाले लोगों को इस बार बिहार एक्सेप्ट नहीं करेगा। हवाई सर्वेक्षण करने वाले नेताओं को इस बार बिहार एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मनीष कश्यप का ये भी कहना है कि इस बार हवाई सर्वेक्षण भी नहीं चलेगा और चूड़ा मिठा स्कीम भी नहीं चलेगा, इस बार बस यही चलेगा कि कैसे बिहार को रिलीफ मिले। आई खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद।